कोविड-19 ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਯਾਦ ਰਵੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੜਨਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੇਮਤਲਬ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਾਦ ਰਹੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ ਗਾਇਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਆਰਟਿਸਟ ਕਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਮੀਰਨ ਵਰਲਡ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਗਾਣੋ ਗਾਇ ਜਲਦੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੈਲਕਮ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਇਨ ਅਮੀਰਨ ਵਰਲਡ ਥੰਬਨੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਓਨੈਸਟ ਰਿਵਿਊ ਨਸਟੈਲਜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿਆਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਫੇਵਰਿਟ ਫਿਲਮ ਜੱਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਆਲ ਟਾਈਮ ਫੇਵਰਿਟ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਨਸਟੈਲਜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਪੇਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਸਨਲ ਫੇਵਰਿਟਿਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੇਡ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੇਵਰਿਟਿਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਨੇਮਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ और इस वक्त जो भी साढ़े आस पास हालात चल रहे हैं जो भी साढ़े आस पास रिलेशन्स नू तोड़न वाली सिचुएशन चल रही है ना उस दे विच आई थिंक जे तुसी टाइम कट के फिल्म जग जिंदियां दे मेले देखोगे तो आई गैस यू फील कि जिंदगी दे विच ठहराव की हुंदा शायद थोनू थोड़ा बहुत समझ आ जाए सो इस हफ्ते असी गल करन वाले हाँ ऑनेस्ट रिव्यू नॉस्टैल्जिया दे विच फिल्म जग जिंदियां दे मेले What a film! थोड़ी जी लंबी सी बट कहानी विच ठहराव सूटेबल म्यूजिक कंपैटिबिलिटी बिटवीन टू पार्टनर्स ते सब तो सोनी गल गीत सुनोगे ना ते तुहानू आज भी वाकई बहुत स्वाद आएगा बहुत मजा आएगा बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूजिक है एंड स्पेशली मेरे वालों रिकमेंडेड है उन्हां लोकां लई जिन्हां दा ताज़ा ब्रेकअप होया या फिर लोंग डिस्टेंस दे विच ने और इस औखी घड़ी च एक दूसरे नूं नहीं मिल पा रहे मस्ट वॉच है उन्हां सारिआं दे लई सच कहां ते उस समय दे हिसाब नाल इस फिल्म नूं बनाउणा एक बहुत वड्डा रिस्क सीगा क्योंकि उस समय दे विच ना तां इन्ना ज़्यादा ऑनलाइन प्रमोशन सीगा ते ना ही फिल्म मेकर्स नूं पता लगदा सीगा कि एक्चुअली ऑडियंस इस तरह दी फिल्म देख के की रिस्पॉन्स करी ओके तुसीं सोच रहे हो कि इन्ना क्यों ऑब्सेस्ड हो जाना बट अगर तुसीं 2009 दे विच वापस जाओ तां तुहानूं पता लगेगा जिस साल हिंदी सिनेमा दे विच देव दी 3 इडियट्स वर्गियां फिल्मां बन रहियां सी कट टू लुक एट आर पंजाबी सिनेमा जो कि सिर्फ परफॉर्मेंसेस ही नहीं बल्कि फिल्म दे विच टेक्निकली डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे म्यूजिक दे लई जानिया गया सी बहुत सारे लोग फिकर करते हैं कि पंजाबी सिनेमा खराब हो रहा है या पंजाबी ऑडियंस कितने जा रही है पंजाब का यूथ कितने जा रहा है यकीन मानो जिंदगी दे विच हर चीज बैलेंस होती है बस असी देखना की है इस साडे ते डिपेंड करता है फिल्म की कहानी बेस है प्यार विश्वास डीक ते सबर ते और फिल्म दे विच में चार बेसिक प्लॉट्स वैसे तो मेन एक प्लॉट है हीरो ते हीरोइन दा बेसिक जड़ा है वो यही है प्यार विश्वास उडीक ते सबर आई थिंक लाइफ दा भी ना बेसिक फंडा यही है प्यार विश्वास उडीक ते सबर बार बार इसलिए बोल रही है कि तुहानू ये गल याद रह जाए कि प्यार विश्वास उडीक ते सबर इज एवरीथिंग इन अ गुड रिलेशनशिप हवेली वालों का अभिजोत पसंद कर बैठता है लोहा कुटन वाली मित्रों हूँ इकट्ठे स्कूल भी जाते हैं तो एक दूसरे को बचपन तो ही पसंद करते हैं पर करते हैं जो इस गल का पता लगा तो एज यूजुअल यू नो कि स्टैंडर्ड की तो प्रॉब्लम रहती ही अपनी सोसाइटी छजता बोले छाननी की बोले फिर की सीगा हवेली वाले ने अपना मुंडा चंडीगढ़ भेज दिता बट सोचो हवेली वाले मुंडे अभिजोत का प्यार कितना क ज्यादा सॉलिड होएगा कि 15 साल बाद जो वो वापस आया अपने पिंड तो अपनी मम्मी को मिलने तो पहला मित्रों नूं वेखण जांदा हाउ रोमांटिक बिलीव मी फिल्म दे राइटर दी इत्थे बेहद तारीफ करनी पड़ती है कि सिर्फ फिल्म दे लीड एक्टर्स ही नहीं बल्कि फिल्म दे बाकी कैरेक्टर्स नूं भी काफी स्पेस मिली है चाहे वो कैरेक्टर आर्टिस्ट हो या फिर फिल्म दी फीमेल आर्टिस्ट हो सब नूं इक्वली स्पेस मिली और हर किसी का कैरेक्टर जिहड़ा है वो बड़ी खूबसूरती दे नाल जस्टिफाई किया गया है फिल्म की कहानी लिखी है बलदेव गिल ने उन्हां दी तस्वीर मैं बेहद लंबी पर मैनूं मिली नहीं खैर इस फिल्म दे एडिटर ते डायरेक्टर इस फिल्म दे राइटिंग विच भी अपना हाथ बटाउंदे होए नजर आ रहे ने यानी कि बलजीत सिंह दे फिल्म दे विच जब भी किसी लीड एक्टर दी एंट्री हुंदी है या फिर बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स दी एंट्री हुंदी है तां कदी भी बीजीएम दा इस्तेमाल नहीं कीता जांदा है बल्कि साउंड इफेक्ट्स दे बजाय उन्होंने स्क्रीन प्ले ते फोकस कीता है और स्क्रीन दे नाल उस एंट्री नूं ज्यादा वैल्यूएबल बनाया गया है एग्जांपल दे तौर ते फिल्म दे लीड एक्टर्स दी एंट्री ते नजर मारदे हां मित्रों दे कैरेक्टर नूं एस्टैब्लिश करन दे लई बीजीएम नहीं बल्कि उसदे कॉस्ट्यूम ते ध्यान दित्ता गया है जिस दे नाल थ्रू आउट द फिल्म मित्रों दा कैरेक्टर जिहड़ा है ओह एस्टैब्लिश हो जांदा है ते फिल्म दा बेहद खूबसूरत सीन इंटरवल तो ठीक पहला आउंदा है जदों मित्रों लाल जोड़े दे उत्ते कफन लेके एंट्री करदी है हवेली दा वड्डा जिहा दरवाजा और जिस तरीके दे नाल स्क्रीन प्ले दिखाया गया वो बेहद खूबसूरत आ नाल एक होर सीन आउंदा है जदों मित्रों अभिजोत दीआं बाहां च हुंदी है अमेजिंग
जिस तरीके दे नाल हर मुसलमान उस सीन दे विच अपने इमोशन नू बयान करदे ने, यकीन मन्नो ओनू ही एक्टिंग कहते हैं। इस मेन प्लॉट तो सिवा फिल्म दे विच होर तीन सब प्लॉट्स ने, जिस दे विच सब तो पहला गुरप्रीत कुग्गी की गल करते हैं, जो कि फर्स्ट हाफ दे विच एक बुजुर्ग पिंड वाले दा कैरेक्टर प्ले करते हैं, ते सेकंड हाफ दे विच ओह बुजुर्ग कैरेक्टर दे नाल नाल एक NRI मुंडे दा भी कैरेक्टर प्ले करते हैं, जो कि एक अफ्रीकन कुड़ी दे नाल व्याह कर लैंदे है। बहुत ही ज्यादा स्टीरियोटाइप कैरेक्टर है, पर खूबसूरत गल यह है कि इस कैरेक्टर नू ही एंड दे विच जस्टिफाई कीता गया है। काला टिक्का ला दा दवा बापू एदे, पर लाया पता ही नहीं लगना किथे लाया है। कि जिस तरह पंजाबी सिर्फ ते सिर्फ गोरे रंग नाल ऑब्सेस्ड ने, ते आज भी गोरे रंग नू ही बहुत ज्यादा वैल्यू करदे ने, उस चीज नू इस कैरेक्टर ने ठीक ठाक तरीके दे नाल अपनी गल समझाउण लई रख्या है। हुण ऑडियंस कैरेक्टर तो की सीखना चाहुंदी है की नहीं, बई इह तां ऑडियंस ते डिपेंड करदा है। पर खूबसूरत गल इह है कि सिनेमा दे थ्रू फिल्म मेकर से पूरी कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ स्टीरियोटाइप नू, कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट दे नाल नाल इस तरह की चीजा नू जरूर सोसाइटी दे विच ब्रेक किया जाए। खैर अगले प्लॉट की गल करते हैं। अगला सब प्लॉट है दादी भूआ दा, विच इज प्लेड बाय वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर इन द पंजाबी सिनेमा, दैट इज सुनीता धीर। बहुत हिम्मत चाहिए इस तरह के कैरेक्टर प्ले करना, वह भी रीजनल सिनेमा के विच। नो डाउट पंजाबी सिनेमा बहुत अगे जा चुका है। कौन सी हो? ओ, कौन? जिन्हें तेरी चोली खुशियां नाल भर दित्ती। कोई नहीं दादी कुआ, पर आज भी फीमेल कैरेक्टर्स नू बहुत ही ज्यादा स्टीरियोटाइप कीता जाता है, बट थैंक्स टू सुनीता धीर ते आज दे टाइम दे विच सरगुन, नीरू, सोनम, वामिका, इस तरह दी एक्ट्रेसेस ने जो काफी ज्यादा स्टीरियोटाइप नू ब्रेक करने की कोशिश कर दिया भी ने और उन्होंने कीतिया भी है। बट 10 साल पहला इट्स नॉट ईजी फॉर सुनीता धीर, बिलीव मी। उस तरह के कैरेक्टर एक वंजारन की तरह कॉस्ट्यूम कैरी करना, एंड दे विच जाके खूबसूरती दे नाल जिन्ने रिस्पेक्ट और एटीट्यूड दे नाल उन्होंने इस डायलॉग नू बोलिया है, पहला सीन और पंजाबी सिनेमा के बेहद खूबसूरत चर्चित टैलेंटेड चेहरे वारी वारी करके नजर आते हैं। पुनीत ईसर, नीता जी, शविंदर महर, गुरप्रीत कुग्गी, मलकीत रोनी, दिलेज रोन, 10-15 मिनट के बाद सुनीता धीर की भी एंट्री हो जाती है। कट टू स्क्रीन ते नजर आते हैं हरभजनमान ते तुलक जोशी। व्हाट अ चार्म, व्हाट अ परफॉर्मेंस, आई स्वेयर। इंडिविजुअल होवे या फिर एक दूसरे के नाल, यह दोनों ही स्क्रीन ते अपना अपना जादू भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। आई रियली लव दिस परफॉर्मेंस एंड आई रियली 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 हैप्पी कि 10 साल पहला यह सिनेमा बने हुए। वैसे कुछ सीन सी जो बेहद स्टीरियोटाइप सी, फॉर एन एग्जाम्पल मुंडे का प्यो गुरुद्वारे जाता है और उत्थे उन्हें पुराना दोस्त मिल जाता है और फिर की करते हैं पापा जी, बस देखते हैं कि उस दोस्त की बेटी सामने आ रही है, पूछते हैं कि ये कुवारी है, तो कहते हैं यस हैलो जी व्यापक का। बट हाँ, फिल्म के बिच ना जद भी मित्रो ए लाइन बोल दी है ना, आ सरदार आ मेरे कोल। हाँ, मतलब काफ़ी सारी ऐसी फिल्म आती है जो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया जाता है कैरेक्टर्स को, बट ये बिल्कुल सटल तुहाडे मेरे वर्गे आम लोग हैं जिन्हों की लाइफ के इस तरह के इंसीडेंट्स होंगे ने, पर उन्होंने इंसीडेंट्स में डील किमें करना है ये मतलब तुहाडे ते डिपेंड करता है किस चीज़ को की सीखते हो। सिनेमा सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, सिनेमा होर बड़ी चीज़ा समझाता है जे ऑडियंस समझना चाहे। तो बलजीत सिंह थे वन ऑफ माई फेवरेट एंड फाइनेस्ट डायरेक्टर एंड द टेक्नीशियन, यू कैन से, मतलब टेक इट इन अ पॉजिटिव वे इन पंजाबी सिनेमा, बिलीव मी। फिल्म के विच बहुत सारे मॉन्टाजेस यूज किए गए ने, खास करके गाने में जो दिखाना है, उस तो सिवा इमोशन तो स्टोरी टेलिंग के विच भी ना बैकग्राउंड स्कोर के मॉन्टाजेस को बेहद खूबसूरती के नाल दिखाया गया है। लेट मी यूज दिस वर्ड वंस अगेन, दैट इज एबस्ट्रैक्ट, बट एक्चुअल दे विच इस फिल्म का पूरा जो पैटर्न मैं एबस्ट्रैक्ट ही लगा और बेहद खूबसूरत है, कैन नो एबस्ट्रैक्ट है पर वो बहुत ही ज्यादा क्लास नजर आ रहा है। दूसरी चीज जो फिल्म की USP है और फिल्म नू बाकी सिनेमा नालों डिफरेंट बनाती है, वो है फिल्म की लाइटिंग और फिल्म का कलर। बिलीव मी, जो तुम फ्लैशबैक जाने हो उसकी लाइटिंग और तुहाड़ी अज की लाइटिंग के विच पता लग जाता है किस तरह समा बदलिया है, किस तरह क्लाइमेट बदलिया है, किस तरह देश और विदेश के तुम खड़े हो, यह सारा कुछ खूबसूरत लाइटिंग का कमाल है। वैसे इस डिपार्टमेंट में साड़ी पंजाबी इंडस्ट्री में काफी कट वैल्यू मिली है, बट बिलीव मी गुड लाइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड सीन।
हाँ कुछ लोग है बहुत हफड़ा दफड़ी बोल देते हैं, ए लाइट वाला है बाद में, कुछ नहीं कर सकते। बट फिल्म दे विच हर डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है और लाइट जेड़ा समझ गया ना, क्या बात। एनीवेज कंग्रेचुलेशन, क्योंकि हुण तां सिनेमा बदल रहा है, हौली हौली हर डिपार्टमेंट नूं बहुत ज्यादा वैल्यू मिल रही है, दैट इज वेरी गुड। बट यस, शुरुआत करना और किसी चीज़ नूं इंपॉर्टेंस देना, ट्रेंड बनाना, इज अ डील, सो आई मस्ट अप्रिशिएट। एनीवेज तुसीं अगर अज भी बलजीत सिंह दे उहदे वीडियोस चेक आउट करोगे तो तुहानूं लाइटिंग दा कमाल वाकई नजर आएगा। ओके, मूविंग नेक्स्ट। फिल्म दे विच खूबसूरत गल ए आ कि सारे ही कैरेक्टर्स दे कॉस्ट्यूम बेहद नीट एंड क्लीन नजर आउंदे ने। इस दे विच ऑफ कोर्स राइटर दा डायरेक्टर दा बहुत बड़ा हथ हुंदा है कि ओ अपने फिल्म दे कैरेक्टर्स नूं किस तरह दिखाना चाहुंदे ने। मस्ट सी दैट सीन जदों ओ येलो सूट पा के नजर आउंदे ने। सूटां च कुड़ियां बेहद खूबसूरत लगदियां ने एंड शी प्रूव दैट कि सूट ना एक्चुअली बहुत ग्रेसफुल चीज आ। तुसीं जिन्ने मर्जी वेस्टर्न कपड़े पा लो, जिस तुसीं सूट पा के निकलदे ना यू फील लाइक वाओ। बट माड़ी गल ये कि अज दे गीतकार कुड़ियां दे लई इस तरह कुछ लिखते हैं, और उस तो भी माड़ी गल ये आ कि कुड़ियां एग्री कर दिया ने इस तरह की चीजों को परफॉर्म करने। एग्जाम्पल के तौर पर ये गाना, सूटा च कौन जहर लगता है ये तो मैं पता नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सूटा की तारीफ दे लई बहुत सारे खूबसूरत गाने एक्चुअल अज भी बना रहे हैं और रिलीज कर रहे हैं। सो बैलेंस दे, थोड़ा चंगी चीजा वाल आप ध्यान दें। सूटा दे विच एक्चुअली कुड़ियां बहुत सोहनिया लगदियां। कोविड-19 दे नाल अज पूरा देश लड़ रहा है, पर याद रवे बीमारी तो लड़ना है, बीमार तो नहीं। बेमतलब गायकी दे नाल पूरा पंजाब लड़ रहा है, याद रहे गायकी दे नाल लड़ना है, गायक नाल नहीं। हैशटैग आर्टिस्ट कदी गलत नहीं हो सकता। अमीरन वर्ल्ड ते नवा सेगमेंट गाणो गल, जल्द ही चैनल सब्सक्राइब करो ते बेल आइकन दा बटन जरूर दबाओ। Anyways, Canada vacation zone या फिर साड़े पंजाब दी बेहद खूबसूरत दिखाया गया है। ते सारा कुछ लेंस दी आप तो दिखाया है DOP जे विंसेंट ने। बेहद स्मूथ ते सब कुछ स्टेब्लिश किया गया है, कोई हफड़ा दफड़ी नहीं है, कोई कट्टो कट चीजा नहीं चल रही, सब कुछ मक्खन मार के क्लियर थानू समझ आ। फिल्म में जो सॉन्ग प्लेसमेंट की गल की जाए तो बहुत लंबे लंबे सॉन्ग प्लेसमेंट की हुई है। आई स्वेयर मैं हूँ नहीं बर्दाश्त कर सकती, उस टाइम जो पता नहीं क्यों देख ले, शायद ट्रेंड हूँ सी, आई डोंट नो, पर बहुत लंबे लंबे अज अगर तुम देखोगे ना थोड़ा लिटरली इतना ही फील होएगा। पर गाने अच्छे हैं, गूगल करो जब जूदिया मेले सॉन्ग्स एंड यू फील लाइक अज दे शोर शराबे और नैगेटिव म्यूजिक नो तो बहुत चंगा है कि तुम कुछ पुरानी सटल और सुकून भरी चीज़ सुनो, वाकई इट गुड फॉर योर सोल, मजा आएगा। आ जाओ बेटर है कि तुसी ओ वर्जन ही सुनो। थैंक यू। हर समय दे विच चंगी माड़ियां दोनों चीजां होंदियां ने, जो सानू पसंद आ जाण, साडी पॉकेट नू सूट कर जाए, सानू वधिया फील करावे, ओह साडे लई चंगी हो जांदी है। ठीक उसी तरह सिनेमा दे विच जिहड़ी भी चीज मैनू मेरी समझ दे नाल सोसाइटी दे लई या फिर एज अ सिनेमा लवर चंगी लगती है, वह मैं तुहाडे नाल शेयर कर दिंदी हाँ। आस करदी हाँ कि ऑनेस्ट रिव्यू नॉस्टैल्जिया दे विच अज हरभजन मान ते तिलक जोशी दी फिल्म जग जिउंदिया दे मेले दा ऑनेस्ट रिव्यू नॉस्टैल्जिया तुहानूं पसंद आया होवे और वाकई तुसीं मेरी तरह नॉस्टैल्जिया फील कर रहे होवोगे। टाइम लगे तो फिल्म जरूर देखना, यूट्यूब ते अवेलेबल है। पंजाबी सिनेमा दे लई फिल्म जग जिउंदिया दे मेले ना सिर्फ एक चंगी फिल्म रही बल्कि इस फिल्म ने काफी ज्यादा कमर्शियल रिकॉर्ड्स भी बनाए ने। ओवरऑल कहा जाए तो एक हिट फिल्म रही है। पंजाबी सिनेमा सेलिब्रेशन के अगे भी पॉजिटिव गल्लां दे लई तुसी जरूर साडे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं हां प्रतपाल सियान, वधिया वधिया कॉमेंट छड्डियो, वधिया वधिया गल्लां करदे आ। लेट्स टॉक समथिंग गुड अबाउट सिनेमा। मिलते हैं तुहानू अगली बार फिर जदों साडी पॉकेट ने वापस अलाउ कीता कि असी होर रिव्यू बना सकीए। एनीवेज थैंक यू सो मच, अगली बार फिर मिलते हैं। चैनल जरूर सबसक्राइब करो फॉर पंजाबी पॉजिटिव कॉन्टेंट लिए। धन्यवाद, सत श्री अकाल।